सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। बात को अगर संतुलित आप रखें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सबसे ज्यादा तकलीफ यही करता है। बात का असंतुलन अगर हो गया शरीर में तो 80 तरह के बीमारी आते हैं, 80 डिसीज। घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, हड्डियों के जोड़ों का दर्द, सब तरह का दर्द, ये सब बात की विकृति। हार्ट अटैक आना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, ट्राइग्लिसराइड होना, पैरालिसिस होना, ब्रेन हेमरेज होना और ब्लड में क्लॉट बनना, ये सब बात की विकृति के रोग है। सबसे खराब है बात, इसको संतुलित रखिए हमेशा। बात अगर बिगड़ता है सबसे ज्यादा रोग आते हैं, इसीलिए बात को संतुलित रखिए। तो आप बोलेंगे क्या करें, बात को संतुलित रखने का सिंपल प्रिंसिपल है आयुर्वेद में, शुद्ध तेल खाइए, बात हमेशा संतुलित रहे। प्योर ऑयल खाइए, शुद्ध तेल खाइए। आपके मन में सवाल आएगा, ये शुद्ध तेल क्या होता है, क्या हम जो तेल ला रहे हैं बाजार से ये शुद्ध नहीं है? बाजार से आप जितने भी तेल डब्बे में लेके आते हैं ये सब तेल में मिलावट है। क्या मिलावट है? बाजार के सभी तेलों में एक तेल मिलाकर बेचा जाता है और उस तेल का नाम है पामोलिन ऑयल। आप अगर मूंगफली का तेल खाते हैं मान लीजिए, उसमें पामोलिन ऑयल मिक्स है। आप सरसों का तेल लाते हैं उसमें भी पामोलिन ऑयल मिक्स है। आप नारियल का तेल लाते हैं, खोपरे का तेल, उसमें भी पामोलिन मिक्स है। तिल का तेल लाएंगे उसमें भी पामोलिन मिक्स है। भारत देश में जितने भी डब्बा बंद तेल आते हैं बाजार में सभी में पामोलिन ऑयल मिक्स रहता है, सभी में। कारण पूछेंगे आप, कारण क्या है? भारत देश की सरकार ने कानून बनाया है कि सभी तेल में पामोलिन मिक्स करके बेचा जाए, ये कानून है हमारे देश। अब चूंकि कानून है तो सभी तेल में पामोलिन मिक्स करके बेचते हैं। आप पूछोगे ये कानून क्यों बनाया? सरकार के मंत्रियों से मैंने कई बार इस पर बहस की कि आपने ऐसा कानून क्यों बनाया, तो वो कहते हैं कि भारत में तेल का उत्पादन बहुत कम है और तेल की डिमांड बहुत ज्यादा है, मांग ज्यादा है, उत्पादन कम है। तो हम क्या करते हैं, विदेशों से तेल इंपोर्ट करते हैं और उसको मिक्स करके बेचते हैं ताकि सबको डिमांड पूरी कर सके। अब समस्या क्या आती है कि ये जो पामोलिन ऑयल मिक्स किया जाता है ये कभी भी हमारी बॉडी को डाइजेस्ट नहीं होता। पामोलिन ऑयल को डाइजेस्ट होने के लिए, पाचन होने के लिए 42 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए और बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं जाता, इसलिए पामोलिन ऑयल डाइजेस्ट नहीं होता, पाचन नहीं होता। तो वो ब्लड में जाके डिपॉजिट होता है और जब पाम ऑयल ब्लड में डिपॉजिट होता है तो सैकड़ों बीमारियां आपको आती हैं जो बात से जुड़ी हुई है। इसलिए बाजार का डब्बा बंद तेल मत खाइए। फिर क्या करें, आप ऐसा करिए, आपको जैसे शेंग तेल खाना है, शेंगा तेल, आप अपना शेंग दाना लेके जाइए, कोई तेल निकालने वाला जो मशीन है उसको दीजिए, वो तेल निकाल कर आपको देगा, वो तेल आप खाइए, वो शुद्ध तेल। आप तिल का तेल खाते हैं तो तिल लेके जाइए, मशीन में तेल निकलवा के अपनी आंखों के सामने लाइए, वो तेल खाइए। अगर आप सरसों का तेल खाते हैं तो सरसों लेके जाइए, उसका तेल निकलवाइए, उसको लेके आइए और वो खाइए। आप बोलेंगे ये कैसे संभव है, पुणे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑयल निकालने का काम करते, जो पुराना शहर है ना पुणे का, सब जगह बहुत सारे ऐसे ऑयल मिल हैं, छोटी छोटी मशीनें लगा के लोग बैठे हैं। आप अपना शेंग दाना दीजिए, वो तेल निकाल के देंगे, आप अपना नारियल दीजिए, वो तेल निकाल के दे देंगे, तो वो तेल आपके लिए शुद्ध है। फिर आप बोलेंगे वो तेल में गाढ़ापन बहुत है, वो कंसेंट्रेटेड है, आप उससे डरिए मत। ये जो तेल का कंसेंट्रेशन होता है, गाढ़ापन होता है, ये उसका प्रोटीन कंटेंट है। और तेल में अगर प्रोटीन नहीं होगा तो वो तेल नहीं होगा।
हमारे मन में डर क्या बैठा हुआ है, अरे तेल बहुत गाढ़ा है, बहुत कंसेंट्रेशन है उसमें, इसलिए वो खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। बिल्कुल चिंता मत करिए, ये तेल का जो गाढ़ापन है ये कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता। कोलेस्ट्रॉल किससे बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है पामोलिन ऑयल से, शुद्ध तेल से नहीं बढ़ता। कर आप बाजार से कई बार रिफाइंड तेल लाते हैं, डबल रिफाइंड तेल लाते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का कारण है। और जो वेजिटेबल ऑयल लाते हैं वो तो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, जिसको आप डालडा कहते हैं, वनस्पति घी, उसको कभी मत खाइए। वनस्पति घी सबसे ज्यादा खतरनाक, रिफाइंड और डबल रिफाइंड ऑयल बहुत खतरनाक है, वो मत खाइए। क्योंकि तेल को रिफाइन करने में जो केमिकल मिक्स किए जाते हैं वो खतरनाक है सारे के सारे। रिफाइंड और डबल रिफाइंड तेल का मतलब है 23 केमिकल्स उसमें मिक्स किए। तो आप अपने मन में ये स्पष्टता कर लीजिए, तेल में जो गाढ़ापन है वो खराब नहीं है, वो प्रोटीन है और उस प्रोटीन के लिए ही हम तेल खाते हैं। अगर तेल का गाढ़ापन निकाल देंगे वो तेल ही नहीं रहेगा, वो तो पानी जैसा हो जाएगा। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है, चिकनाई दो तरह की होती है, गाढ़ापन दो तरह का होता है, एक अच्छा और एक बुरा, एक गुड कोलेस्ट्रॉल एक बैड कोलेस्ट्रॉल। जो अच्छा है उसको HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो बुरा है उसको LDL और VLDL कहते हैं। तो आपको HDL बढ़ाना चाहिए, LDL कम करना चाहिए। HDL बढ़ाने के लिए शुद्ध तेल खाइए, हमेशा HDL बढ़ेगा और लाइफ आपकी बढ़ती चली जाएगी। और ये रिफाइंड और डबल रिफाइंड खाएंगे तो LDL बढ़ेगा और जिंदगी भर आपको हार्ट अटैक का खतरा बना रहेगा। इसलिए रिफाइंड डबल रिफाइंड तेल, वनस्पति घी, ये सब बंद करके शुद्ध तेल खाना आप शुरू करिए। जो भी तेल खाएं, शेंगा तेल खाएं, तिल का तेल खाएं, नारियल का तेल खाएं, खोपरे का तेल खाएं, सूरजमुखी का तेल खाएं, शुद्ध खाएं, प्योर ऑयल खाएं, तो जीवन भर वात आपको तकलीफ नहीं करेगा और 80 बीमारियों से आप बचे रहेंगे। ये आयुर्वेद का एक सिंपल सा सूत्र है। दूसरा सूत्र है, पित्त के रोगों से अगर बचना है आपको जीवन भर, तो देशी गाय का घी खाइए। पित्त के रोग क्या हैं? एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, खट्टी डकारे आना, मुंह में पानी आना, भोजन का पाचन नहीं होना, बार बार खट्टी खट्टी जो है मुंह में पानी आते रहना, भोजन खाए हुए घंटों घंटा हो गया फिर भी मुंह में बार बार भोजन का स्वाद आता रहता है, ये सब पित्त की विकृति के रोग है। और इनकी संख्या 40 है, 40 पित्त के रोग हैं। इनसे अगर बचना है तो जिंदगी भर शुद्ध गाय का घी खाइए। शुद्ध गाय के घी का मतलब, जो गाय है ना उसका दूध, दूध को बनाइए दही, दही में बनाइए ताक, ताक बनाने के बाद जो निकलेगा मक्खन उसको करिए गर्म, वो जो बनेगा वो है घी, ये घी खाइए। तो आप बोलेंगे गाय का घी कहाँ मिलेगा? गाय का दूध खरीदिए, दूध को दही बनाइए, दही से ताक निकालिए, मक्खन बनाइए, घी बनेगा, क्या प्रॉब्लम? गाय है अभी देश में और गाय का दूध भी। फिर आप बोलेंगे भैंस का घी खाएं, तो भैंस का घी खाएंगे भैंस जैसे ही हो जाएंगे, जैसी भैंस है वैसे ही उसका घी है, जैसी भैंस है उसका दूध भी वैसे ही। आयुर्वेद में ये कहा गया है, जो भैंस का तूप है, मशी का तूप, वो सिर्फ वो लोग खा सकते हैं जो कुश्ती लड़ते हैं। कुश्ती लड़ते हैं ना कोल्हापुर में, वो लोग मशी का घी खा सकते हैं, कोल्हापुर वाले खा सकते हैं, क्योंकि कुश्ती लड़ते हैं, दंड बैठक करते हैं। कुश्ती लड़ना, दंड बैठक करने का मतलब, जिनका फिजिकल एक्सरसाइज बहुत होता है, जो शरीर का बहुत उपयोग करते हैं, जैसे मजदूर लोग हैं, फावड़ा लेके दिन भर खोदते रहते हैं, या हमारा शेतकरी वर्ग है जो शेत में हल चलाता रहता है, ये सब लोग मशी का तूप खा सकते हैं। आप तो बैठे बैठे जिंदगी बिताते हैं अपनी, घर में बैठे हैं, दुकान पर बैठे हैं,
कार में बैठे हैं, रेल में बैठे हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं, आपका तो कुछ काम ही नहीं करता शरीर, दिन भर बैठना, रात भर बैठना, या तो सोते हैं या तो बैठते हैं, पैदल चलना भी अब हमारा बंद हो गया, भाजी भी खरीदने जाते हैं तो कार में जाते हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल पे जाते हैं। तो आप मछी का तूप मत खाइए, बहुत खतरनाक है। आप गाय का तूप खाइए, गाय का तूप बहुत जल्दी हजम होता है और सबसे जल्दी उसका पाचन। तो गाय का तूप खाते रहेंगे, जिंदगी में कभी भी पित्त का कोई भी रोग नहीं आएगा। और तीसरा प्रिंसिपल आयुर्वेद का है, तीसरा सिद्धांत है कि कफ का रोग अगर आपको नहीं चाहिए जीवन में, कफ का सबसे खतरनाक रोग पता है क्या है? मोटापा, लठपना, वेट बढ़ रहा है, वजन बढ़ रहा है, ये कफ की विकृति है। तो आप चाहते हैं कि कफ का रोग ना आए, माने वजन ना बढ़े आपका, सर्दी खांसी जुकाम बुखार ना हो, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम ना हो, आंखें हमेशा अच्छी रहें, कान हमेशा अच्छे रहें, तो कान अच्छे रहें, आंख अच्छी रहें, ये सब कफ के संतुलन से होता। जवान अच्छी रहे, कान अच्छे रहें, आंख अच्छी रहे, वजन ना बढ़े, गला ठीक रहे, बुखार सर्दी खांसी जुकाम ना आए, तो मतलब ये है कफ को संतुलित रखो। और इसका सबसे सिंपल सूत्र है आयुर्वेद में, चीनी मत खाओ, गुड़ खाओ, गुड़, शक्कर छोड़ दो। ये शक्कर सबसे खतरनाक चीज है जो कफ बढ़ाती है, कफ की विकृति का सबसे बड़ा कारण है शक्कर। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।